लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद विपक्षी दलों की मुलाकात आपस में शुरू हो गई है। इसी क्रम में सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मिले। लगभग 45 मिनट तक चले इस मुलाकात के दौरान सोरेन और मरांडी में सीटों के बंटवारे को लेकर के गुफ्तगू हुई। बैठक के बाद सोरेन ने कहा कि चूंकि चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, इसलिए अब महागठबंधन की तस्वीर भी साफ हो जानी चाहिए। इसी बाबत उन्होंने यह मुलाकात की है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब जो जरूरी है मैदान में उतरने के लिए उन सब प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए जल्द से जल्द, यही हम लोगों का विचार रहा है। क्योंकि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का एक सहमति बनी है, उस गठबंधन का अधिकृत रूप से बातें लोगों के समक्ष आ जाए, ये पूरी तरीके से सरकार ने अपने चुनाव सरकार कैसे जीते मुझे लगता है कि बड़ी तरीके से इन लोगों ने फ्रेम करके ये दिन तिथि और चरने जो है इसको इन लोगों ने सेलेक्ट किया है। बैठक के बाद मरांडी ने कहा कि कुछ सीटों को लेकर अभी मामला फाइनल होना बाकी है। इसी के मद्देनजर हेमंत सोरेन को कांग्रेस से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है। अब सोरेन कांग्रेस के आला कमान से बात कर तस्वीर साफ करने में मदद करेंगे। तो आज हम सब लोगों ने भी तय किया है कि भाई हेमंत जी थोड़ा कांग्रेस से भी बात कर ले, उनके नेताओं से, और फिर एकाध सप्ताह में मामला को साफ और अधिकृत रूप से आप सब लोगों को और राज्य की जनता को भी जानकारी हम सब लोग दे रहे हैं। सोमवार को सोरेन और मरांडी की हुई इस बैठक में यह भी तय हुआ कि चूंकि महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, इसलिए चुनाव प्रचार भी ज्वाइंटली किया जाए, साथ ही हफ्ते भर में नामों को लेकर तस्वीर साफ कर दी जाए। अमित मिश्रा, ईटीवी भारत।